कि ये बच्चे को कभी ये नहीं मालूम होगा इसके माता पिता कौन है। वादा करो सरदार जी, आप चिंता ना करो, ये कितना भी सयाना क्यों ना हो जाए लेकिन इसे ये नहीं मालूम होगा कि ये किसका बच्चा है। इसे सिर्फ ये मालूम होगा कि ये गंगा सिंह का बेटा है। तो ठीक है, जाओ, ये बच्चा हमने तुमने को दिया, आओ हम लोग अड्डे पर चलते हैं। ठीक है सरदार, आप आज गंगा सिंह ने बहुत सारी डकैतियां डाली, बहुत सारे लोगों का कत्ल किया, लेकिन ना जाने क्यों आज इस बच्चे पर रहम आ गया। और शायद इसलिए कि बच्चा बहुत प्यारा है, और फिर मैं डकैती डालते डालते मर जाऊंगा, कोई तो होना चाहिए मेरा सहारा बनने वाला, इसीलिए मैंने इस बच्चे को लिया है और इस बच्चे को मैं पालूंगा पोसूंगा और वो हुनर दूंगा कि दुनिया इसके नाम से थर्राएगी। मैं इसे ले चलता हूं अपने अड्डे पर। चलो बेटा, आज से तुम्हारी जिंदगी हमारे साथ शुरू होती है। कि तुझ सूरज कहूं या चंदा, तुझ दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तारा। अब आप लोगों के बीच में ये चमेली बाई का कोठा, चमेली बाई अपने कोठे पर होती है, उधर भाई इंस्पेक्टर साहब पहुंचते हैं आरती को लेकर के। देखिए आगे क्या होता, आप लोग कहानी में देखिएगा। धन्यवाद। अरे चमेली भाई देखो कहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे वादा किया था ना कि एक ना एक दिन मैं आपके कोठी पर एक कोहनूर का हीरा लेकर आऊंगा, लेकिन वो दिन आ गया है, लेकिन तुम्हारा वादा पूरा नहीं हुआ। वो दिन आ चुका है और मैं साथ अपने लेकर आया हूँ, मगर उसकी कीमत मैं मुंह मांगी लूंगा। कितनी लोगे? 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया? जी हाँ, मैं दूंगी। सौदा मंजूर है? मैं दूंगी। तो ठीक है, मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे आरती बेटी, देख आरती बेटी, आज से तुम यही रहोगी, यही तुम्हारी पढ़ाई होगी और यही तुम्हारी लिखाई होगी। नहीं चाचा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये कौन सी जगह है, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मैं आपके साथ चलूंगी चाचा। देख बेटी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, टाइम बाय टाइम घर आता हूँ, और तू इसे अपनी बात समझ, और आज के बाद यही तू रहेगी और तेरी देखभाल और पढ़ाई यहीं पर होगी। ले चमेली भाई, इसे संभालो। आज तुम्हारा घर यही है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है यहीं पर होगी। आप मुझे पढ़ाओगी? जरूर पढ़ाऊंगी। ए चिन्मनलाल, ले आओ घुंघरू, अभी से पढ़ाई पढ़ना नहीं। सुन, ये है कोठा और यहाँ की मैं चमेली बाई हूँ। दो घुंघरू से बांध घुंघरू और मुझे मुजरा सुना।
मुझे कुछ नहीं आता। अगर नहीं सुनाएगी ना इतना खराब मार मारूंगी ना तुरसिया भूल जाएगी तू। मुझे कुछ नहीं आता, मैं नाचूंगी नहीं, मैं नाचूंगी नहीं। ओ तुझे नाच गाना ओ सुनाना कोठे पर आ जाती उसे घुंघरू बांधना ही पड़ता है। इसलिए आप कहा मानो तो फौरन घुंघर बांध लो और मुजरा सुनाना शुरू कर दो वरना ये बहुत मारेगी। ठीक है चाचा। तो चाचा ना कहो चाचा जी के सारा सब मैं जरूर सुनाऊंगी मुजरा, मुझे मारो मत। आवाज दे रही फरियाद कर रही हूँ तेरों के बीच अपनों को मैं याद कर रही हूँ। देखेंगे आज तमाशा सब में तमाशा सब में नाचूंगी, मेरे आंसू बन गए घुंघरू अब मैं नाचूंगी, अब मैं नाचूंगी। I'm not afraid to die.
गई छोकरी। अरे बदतमीज किसे मार रहा है? मैं बीच में आ गई थी। माँ माँ देखो तो साहब ने कहा मुझे सुनाया, अब मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख बहुत जोर से लगी। ले चल इसे। चलो माँ भूखी हो गई है, इसे खाना खिला लेकर। ये हंटर धर इधर पानी पिलाए तुझे क्या? आखी क्या हुआ? अरे बस के मांग हो और ग्लूकोज की शीशी फूट गया। ग्लूकोज की शीशी? हाँ ग्लूकोज की शीशी फूट यहाँ बंद ही गया। बाजी रहा था। मैं नहीं मारूंगी। आप ना मारे हो। ठीक है चल। श्यामो भैया। हेलो 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 भाई जी। हेलो देखो मैंने अपने घर के लिए ना जाने कितने खत भेजे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन ना जाने क्या बात है, खत का कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, हो सकता है जवाब आने में कुछ लेट हो। आओ चलते हैं, आता ही होगा। घर के लिए चलते हैं। बहुत अच्छी बात। कहानी बदल करने की बात है। इधर वही एसपी धर्मराज सिंह जिनका डाकू भाइयों ने हाथ काट लिया है, आइए आज उन्हीं से मिलाते हैं। देखिए कहानी कहां पर जाती है। कहानी पर ध्यान दीजिए। आज कितने वर्षों के बाद मैं बाहर आया हूं अस्पताल से। अगर तू नहीं होता तो शायद मैं जीवित न बचता। तूने कितनी मेरी सेवा की, देख कितना फूला फूला घर था, सब बर्बाद हो गया, सब मिट गया। नतीजा क्या निकलता है मेरे फूटे मुकद्दर। चलता है मेरे फूटे मुकद्दर का, हम सफारा हो गया मेरे भूले पले घर का, सफारा हो गया। मेरा बेटा राजू स्कूल नहीं गया होता तो शायद वो भी जीवित न बचता। देख उसने कितने पत्र मुझे भेजे, लेकिन एक पत्र का जवाब मैंने इसलिए नहीं दिया कि याद की खबर मेरा बेटा सुन पाएगा, तो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आएगा। अरे वो आएगा तो अपने माँ बहन को पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा उसे, क्या कहूंगा। लेकिन आज आदरण क्या बात है कि पिताजी की आंखों में आंसू,
आंसू का कारण मुझे पूछना चाहिए। आँख क्यों ये अक्स आए पिताजी बात क्या है आँख क्यों अब अक्स आई है कैसे आंखों पर पिताजी आप बुलाए सगुना देख कर बापू जिगर में बेकरारी है सगुना देख कर बापू जिगर में बेकरारी है बया कुछ कीजिए कैसी बदरिया कब की छाई हेलो भैया रामू भैया रामू भैया जी कहीं जहां कहीं भी हो आकर के श्रृंगार घर में तुरंत उपस्थित हो धन्यवाद कैसे कहूं मेरे लाल कैसे कैसे कहूं मेरे बच्चे नहीं नहीं पिताजी नहीं अगर बताओ मत पूछ मेरे बच्चे